हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। तो मैंने साड़ी पहनी है, मेरा मन किया कि चलो आज साड़ी पहनते हैं। कल जींस पहनी थी तो आज साड़ी पहनते हैं। सूट समझ में नहीं आ रहा था कौन सा पहनूं। ये साड़ी मैंने निकाली थी फोल पीको के लिए, लेकिन फोल पीको तो इस टाइम पे कहाँ। तो यहाँ पे मैं बहुत सारे इयररिंग्स रखे बैठी हूँ, बहुत सारे, मतलब एक दो तीन चार पाँच जोड़ी इयररिंग्स हैं। ये भी है तो सोची कौन से पहनूँ। ब्लैक इयररिंग्स मेरे पास नहीं है, क्या काम है। अच्छे लग रहे हैं बट थोड़े से भारी लग रहे हैं, ज़्यादा देर नहीं पहन पाऊँगी, थोड़ी देर ही पहन पाऊँगी। ये भी सिर्फ मैं आप लोगों की वजह से पहन लेती हूँ इयररिंग्स वगैरह। अगर मैं ब्लॉगिंग ना कर रही होती तो शायद मैं पहनती ना, या फिर कभी कई बार मन कर गया तो पहन भी लेती, पर ऐसे नहीं। मतलब हाँ, साड़ी पहनने का मुझे शौक था, साड़ी मैं पहले भी बहुत पहन लिया करती थी। कपड़े तो जो मेरे दिल में आते हैं वो, लेकिन गर्मियों में ज़्यादातर मैं गाउन में ही रहती थी, गाउन में या फिर टी शर्ट लोवर ये डाल लिया। अब अच्छा नहीं लगता ना कैमरे के सामने, तो बहुत लूज है, निकल जाएगा ये, तो बहुत ज़्यादा लूज है। पता नहीं कहाँ गया मेरा वो पेज, ये मिल गए। तो इसके साथ ना ब्लैक और ग्रे के साथ सिल्वर या फिर ब्लैक में ही जाएगा, तो मैंने कहा चलो ये वाले पहनते हैं। और मेरे को शायद बीपी लो हो रहा है, अभी तक तन्मय की क्लास करा रही थी, हो गया तन्मय की क्लास कराए हुए 15-20 मिनट। मैं ऐसे ही बैठ गई थी उसकी क्लास कराने, साड़ी पहन के और बिंदी लगा के, तो मैंने महसूस किया कि थोड़ा सा मुझे कुछ हो रहा है अजीब सा, जैसे मुझे बीपी लो हो रहा हो, ठंडा ठंडा सा, चीटियाँ सी, कीड़ियाँ सी बॉडी में ना, ऐसे अजीब सा। बीपी लो में ही होता है ना, क्योंकि मुझे कभी कभी हुआ है बीपी लो, ऐसा तो नहीं है मुझे रहता है, तो मुझे ऐसे लग रहा है जैसे कुछ ठंडी सी बॉडी हो रही हो या कुछ मेर सी। ये सामने बैठे हैं, इन्हें बोल रही हूँ, और बस तंगी वगैरह करूँगी, दोपहर के खाने की तैयारी करेंगे, क्या बनाएंगे, जूस पिया था। मैं ये वाले पहनना चाह रही थी क्योंकि मैं इनमें ठीक रहती हूँ, कंफर्टेबल रहती हूँ। दूसरा ना, ये लटकाने वाले इयररिंग्स मुझे ज़्यादा अच्छे लगते हैं, जो इस तरीके से होते हैं, पेच वाले मुझे इतने पसंद नहीं हैं। तो कौन से अच्छे लगेंगे आप कमेंट करके बताना। ये इतने अच्छे नहीं लगेंगे, ब्लैक ही लगेंगे वैसे। चलो आप तो पहन लिए, कैसे कौन से अच्छे लगेंगे, ठीक लग रहे हैं। पढ़ो तन्मय, अभी आपकी क्लास चल रही है, रिटर्न में वर्क आया होगा वो करो। चलो उठो तन्मय, विपिन उसको बोलो, आप इसको कुछ नहीं बोलते, ये बात तो है। बनाने थे तोरी या बैंगन में से कुछ, लेकिन लग रहा है कुछ जैसे ना, तो फिर मैंने कहा छोड़ो नमकीन चावल बना लेते हैं। मटर रखी हुई है, ज्यादा फिर वो नहीं करते हैं। मसालदानी भी धोनी है, इसमें मैंने ज्यादा मसाले नहीं डाल रखे, इसीलिए जो खत्म होने के पे है हल्दी और थोड़ा सा नमक वो है इसमें, जैसे ये दोनों भी खत्म हो जाएंगे, नमक तो अभी खत्म हो जाएगा, हल्दी भी, तो ये धुलेगा। तो फटाफट से मैं छौंक लेती हूँ। तो मैं सिंपल से ही बना रही हूँ वड़ियों के साथ, आलू मटर के साथ। तो सबसे पहले तो मैंने जीरा वगैरह डाल दिया और प्याज, और मैं ऐसे ही बनाती हूँ नमकीन चावल, और ऐसे ही बहुत सिंपल से होते हैं और टेस्टी भी बहुत होते हैं। तो प्याज वगैरह हुआ, टमाटर डाला, उसके बाद आलू मटर और वड़ियाँ डाल दी हैं, इनको भी मैंने मसालों के साथ 1-1.5 मिनट तक या 2 मिनट तक रखा। और अब मैं इसमें डाल दूँगी चावल वही जो हम यूज़ करते हैं रोज़ाना में, जो मैंने आपको कल बताया था वही वाले हैं।
इनको मिक्स कर दूंगी अच्छे से और पानी चावल के अकॉर्डिंग डाल दूंगी। जैसे 2 गिलास हैं तो 2.5 से 3.25 डालूंगी, क्योंकि ये नमकीन चावल हैं, वड़िया भी हैं, वो भी पानी लेंगी। तो बस इस तरीके से करके कुकर का ढक्कन लगा दिया है और 1 या फिर 1.5 सीटी मतलब सूसू करेगा तो बंद कर दूंगी एक के बाद। तो हम ना यहाँ लेट गए हैं, मैं और गुड्डू, और मैं तन्मय को भी बुलवा रही हूँ। आज बहुत ज़्यादा गर्मी है, आज ना धूप नहीं निकल रही है ना, आज वो घुमस हो रही है बहुत ज़्यादा, मतलब भयंकर वाली बहुत गर्मी है। और आज वैसे तो मेरे अब जो व्लॉग हैं वो बिल्कुल ऐसे जा रहे हैं, आज बन रहा है कल जाएगा, कल बन रहा है परसों जाएगा, कोई लेट नहीं हो रहे हैं। लेकिन फिर भी मैं डेट बता देती हूँ, आज 28 मई है और दिन शुक्रवार है, हाँ शुक्रवार है, और 2:30 बज रहा है। और नीचे आ जाओ ना, दोनों इधर आ जाओ, ऊपर क्या कर रहे हो, ये गेम खेल रहे हो। और यहाँ पे हमने कूलर लगा लिया है, इधर कूलर लगा लिया है, पर्दे वर्दे लगा लिए हैं, लोहे वाला कूलर मैं इनको बोल रही हूँ उधर लगवा लो, और ये उधर बैठे हैं अपना काम कर रहे हैं। तो हाँ, मैंने साड़ी चेंज कर ली है क्योंकि मेरे को बहुत ज़्यादा गर्मी लग रही थी, इतनी भयंकर गर्मी लग रही थी ना मुझे। फिर ये कहने लगे कहीं इसलिए ही ना हो रहा हो, तेरे को अजीब सा क्योंकि तूने साड़ी पहनी है, गर्मी आज ज़्यादा है तो इस वजह से। फिर मैंने कहा ठीक है मैं चेंज करती हूँ, और मुझे बहुत राहत मिली चेंज करके। है यार, मन करता है कभी कभी कुछ चीज़ें ट्राई करने का, लेकिन गर्मी हो तो ये रहता है, ज़्यादा गर्मी है साड़ी कैसे पहने, ठंड ज़्यादा हो तो रहता है ठंड ज़्यादा है साड़ी कैसे पहने। चलो कभी और पहनेंगे, मैंने उतार के रख दिया, अभी तय भी नहीं करी उसकी, उसको तय करके रखूँगी। उसमें फोल पी को कराना था वॉश, तो उसको क्या करूँ, मुश्किल से घंटा भर पहनी होगी। तो अभी जो है उसको ऐसे ही रख दिया है, बर्तन किचन में खड़ा नहीं हुआ गया, बर्तन भी ऐसे ही रखे हैं, मैंने कहा मैं थोड़ी देर में आके मांजूंगी। कुकर वगैरह सब खाली कराई हूँ, और किचन में मुझे 2-4 चीज़ें हो रहे हैं जो साफ करनी है, मैंने कहा नहीं पहले थोड़ी देर कूलर में लेटते हैं, आराम करते हैं। तो शाम का टाइम है और मैं अपनी चोटी करा लूँगी गुड्डू से, मेरे को आजकल ना चोटी कराना बड़ा अच्छा लग रहा है, मैं बिल्कुल भी बाल नहीं खोल रही हूँ आजकल, आप लोग भी देख रहे होंगे। एक तो वही कि देखिए गर्मी ज़्यादा है, बाल खोलने का वो नहीं होता है, दूसरा अगर मैं क्लेचर लगाती हूँ तो मेरे पीछे की साइड जहाँ पे क्लेचर लगाते हैं वहाँ पे दर्द महसूस करता है, तो फिर मुझे अच्छा भी लग रहा है। मैंने कहा चलो बाल भी समेटे रहते हैं, बार बार क्लेचर की खोलने की प्रॉब्लम भी नहीं है, तो मैं चोटी करा लेती हूँ गुड्डू से। और फिर उसके बाद यहाँ पे मनी प्लांट दिखाने लगी थी, क्योंकि कुछ कमेंट्स आ रहे थे कि रश्मि अपना मनी प्लांट दिखाना, तो कई दिनों से हमने बरामदा भी नहीं धोया ना बाहर वाला, तो इस वजह से देखिए ये भी नहीं धुला है, इस पर भी धूल हो रही है। हाँ अगर उससे भी मार दो जिसमें कोलीन होता है ना, उसमें पानी डाल के कर दो तो भी हो जाता है, लेकिन फिर कितने सारे पत्ते हैं नहीं हो पाते हैं। तो कभी धोएंगे 2-4 दिन में, तो फिर हम इस पर पानी मारेंगे और भी ज़्यादा प्यारा लगेगा फिर ये। तो मनी प्लांट दिखाने के लिए कमेंट आया था, मैंने कहा चलो दिखा देती हूँ। और जैसे कुछ कुछ कमेंट्स आते हैं, कुछ पूछते हैं या कुछ बात करते हैं, तो मैं पूरी कोशिश करती हूँ उनको वीडियो में जवाब देने की। हाँ कुछ छूट जाते हैं या भूल जाती हूँ वो अलग बात है। मैं सो गई थी, शाम हो रही है, शाम के 6:30 बज रहे हैं और मैं काफ़ी देर सोई, बहुत मज़ा आया। ये भी सोई थोड़ी देर, बच्चे भी सोए थोड़ी देर, आप भी सोए थे ना 10-5 मिनट के, इनके फ़ोन आ रहे थे बार बार, मुझे पता है मैं कई बार उठी, मेरा जब फोन आया आप एकदम से उसे बंद करने के लिए उठे कि उठना जाए, तो हाँ जो है बहुत सारे काम है, वो नहीं सोया था कल, मैं नहीं सोया, बाकी सब सोए, गुड्डू भी सोई, तो मेरे काम है मैं वो कर लेती हूँ फटाफट। चॉकलेट वाली मैं बना रही हूँ कोल्ड कॉफी, बहुत दिन नहीं, साल हो गया शायद, गर्मियों में ही पी थी तो अभी मन कर गया है। तो यहाँ पे मैं 2 बना रही हूँ ना, विपिन और अपनी, तो 2 चम्मच डाल लूंगी भर के, ये सारी जाएगी 2 चम्मच, ये मेरे पास बहुत सारे इकट्ठे हो रखे हैं, इसे मैं साफ करूंगी, और उसके बाद इसमें चीनी जाएगी, चीनी डाल दी है, कॉफी डाल दी है, अब बारी है इसमें दूध डालने की, दूध डाल दूंगी, छान के नहीं डाल रही हूँ क्योंकि मलाई गई नहीं है उसमें, 1 किलो दूध का कुछ पता नहीं चलता, कुछ बनाने लगो तो ऐसे ही फिनिश हो जाता है। अब हम इसको ब्लेंडर से कर देंगे, पर मैं जो है बर्फ़ डाल रही हूँ, आइस क्यूब डाल रही हूँ, 2 टुकड़े डाले हैं मैंने, ज़्यादा नहीं डाले हैं क्योंकि फिर ज़्यादा पानी भी हो जाएगा इसमें। और साथ ही मैं डाल रही हूँ यहाँ पे चॉकलेट आइसक्रीम, आप वनीला भी डाल सकते हो, चॉकलेट भी डाल सकते हो, लेकिन हाँ स्ट्रॉबेरी वगैरह इसमें फ़्लेवर अच्छा नहीं लगेगा, चॉकलेट और वनीला का फ्लेवर ही कोल्ड कॉफ़ी में अच्छा लगेगा।
तो यहाँ पर मैंने आइसक्रीम डाल ली है, और आइसक्रीम डालने के बाद मैं इसको और फेंट लूँगी ब्लेंडर से अच्छे से, ताकि जो है थोड़े से जो झाग होते हैं वो अच्छे लगते हैं इस तरह की, जब हम शेक स्मूथी या कुछ भी इस तरह का पीते हैं, लस्सी वगैरह। तो बस अभी जो है ग्लास रेडी है, विपिन और अपने लिए डाल लेती हूँ, बच्चों को नहीं दूंगी क्योंकि कॉफ़ी है, उनको शेक बनाकर दिया था वैसे भी थोड़ी देर पहले। तो बस अभी बाहर आ गए हैं, अंदर मन नहीं था बैठ के पीने का, मैंने कहा चलो बाहर पीते हैं, तो आप लोग भी पी लीजिए। मैं आपको यहाँ पे वही पूछ रही थी, और सीढ़ियों पे बैठ गई हूँ, मैंने कहा अब क्या फोल्डिंग बिछाना है क्योंकि बहुत सारे बर्तन हैं अंदर, उनको जाकर भी करना है, तो इसीलिए मैंने फालतू का फोल्डिंग कुर्सी कुछ नहीं लिया, ये बैठे हुए हैं सामने मेरे कुर्सी पर। तो बस किचन में आ गई हूँ, और किचन में आके अपने बर्तन वगैरह कर लूँगी, काफ़ी सारे बर्तन इकट्ठे हो रखे हैं आज मेरे। लेकर आए थे कल नमकीन और नमक पारे, तो ये ऐसे ही रखे हुए थे पैकेट में, मैंने कहा चलो मैं इनको खाली कर देती हूँ। और इन कांच की बर्नी के बारे में कमेंट आ रहा था कि रश्मि ये हमें अच्छी लगी हैं, तो ये कहाँ से लिया आपने, कैसी हैं ये, तो ये बहुत अच्छी है, मुझे बहुत अच्छी लगी, और ये मीशो से ही मुझे मिली थी। तो आपको अगर ये देखना है तो मैंने किचन आइटम्स वीडियो वाले में इनका भी कोड दिया हुआ है, आप चेक कर सकते हैं। आपको कुछ भी मेरा कोई सामान अगर मीशो से लिया हुआ पसंद आता है, बाद में यूज़ करते हुए देखते हैं, तो आप उसको मीशो के वीडियो पे जाकर चेक कर सकते हैं। मीशो के बहुत सारे वीडियोस मेरे चैनल पर हैं, आप सर्च करेंगे या फिर चेक करेंगे जाकर, तो आपको मिल जाएंगे, किचन से रिलेटेड हो या फिर जैसे मैंने नाइट सूट पहना है तो नाइट सूट का वीडियो है, या फिर सूट वगैरह है, या फिर टॉप पहना था वो भी आपको पसंद आया था, तो वो आपको मीशो के वीडियो मेरे मिल जाएंगे, आप चेक करके ले सकते हैं। देखो मैंने कितने सारे बर्तन साफ किए हैं, टोकरा भर के, और जो खाली करने वाला सामान था वो खाली कर दिया है। गुड्डू यहाँ पे पड़ रही है, यहाँ पे भी मेरा एक दो सामान फैला पड़ा है, वो भी मैं ठीक कर लेती हूँ। गुड्डू वहाँ पड़ रही है बैठ के, साड़ी ऐसी ही थी मेरी पड़ी हुई, तो मैंने सोचा चलो इसको भी तय कर लेते हैं, इसको रख देते हैं। पहले मैं सोच रही थी इसको बाहर ही रख दूँ, फॉल पीको करा लूँ, फिर मैं सोच रही थी कि मुझे पहनकर ये इतनी अच्छी नहीं लगी तो मैं इसको क्या करूँ। तो जो साड़ी मुझे ज़्यादा अच्छी नहीं लगती हैं, बहुत ही मुश्किल होता है मैं उनको रिपीट करूँ, तो अलग अलग बैग मैंने बनाए हुए हैं उनके, तो मैंने उसको वहीं रख दिया है। और उसके बाद मैंने इनको बोला था कि सुनो ऊपर का थोड़ा सा नज़ारा दिखा दो, ऐसा कोई ख़ास नज़ारा नहीं है लेकिन फिर भी सभी लोगों को ऊपर जो मेरी छत से दिखते हैं पेड़ पौधे हरियाली, तो वो अच्छी लगती है, तो मैंने कहा चलो थोड़ा सा रिकॉर्ड कर लाओ। ऊपर से आज आप देख रहे होंगे ना, आप लोगों ने भी महसूस किया होगा, आज बहुत ही कम, मतलब मुझे तो दिख भी नहीं रहे, पत्ते हिलते हुए भी नहीं दिख रहे हैं बिल्कुल भी, रुका हुआ जो बोलते हैं ना एकदम से ठहर जाना, वैसा कुछ लग रहा है।
आज बहुत ज़्यादा, बाहर बैठ के भी गर्मी लग रही है और मेरे को ना चश्मे के निशान होने लगे आजकल, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा यूज़ कर रही हूँ चश्मे का, आदत पड़ गई मुझे चश्मे की, बहुत गर्मी लग रही है। कल भी मैं 3 बार नहाई थी, अभी 2 बार नहा चुकी हूँ, 3री बार रात में अभी भी हो रहा है कि नहा लूँ, लेकिन अब किचन का काम समेट के नहाऊँगी। बहुत गर्मी है आज, घुमस हो रही है, पूरा दिन धूप ठीक से नहीं निकली, निकली ही नहीं धूप, और अभी भी मौसम अभी दिखाया था आपको, घुमस सी हो रही है, बादल हैं, बारिश देखो अगर आ गई तो, हो सकता है वैसे आ जाएगी, अब देखते हैं। गुलाब खिला हुआ है, देखो उधर गुलाब खिला हुआ है और कलियाँ भी आई हुई हैं, उधर भी गुलाब खिला हुआ है लाइट पिंक वाला। वो बारिश आई थी ना अभी हफ्ता भर पहले, वो ख़राब हो गया था, उसमें टूट भी गया था, लेकिन वो वाला अभी खिला है, कितना सुंदर लग रहा है। और ये कितना, ये इसका है ना गेंदे के फूल का, कितना बड़ा सा हो गया, फूल तो आए नहीं। कल भी मेरा मंदिर रह गया था साफ़ करने के लिए, आप लोगों को याद होगा मैंने बोला था मंदिर साफ़ करूँगी, तो मैंने सोचा कि चलो आज मैं पहले मंदिर साफ़ कर लेती हूँ। मंदिर साफ़ ही है, लेकिन बस मेरे को हो रहा था कि चलो साफ़ कर लेते हैं, वैसे तो रोज़ कपड़ा मारते ही हैं पूजा करते वक्त, लेकिन होता है ना 5-6 दिन में या हफ्ते में कि भाई सामान हटाओ और कपड़ा वगैरह चेंज करो या फिर अच्छे से साफ़ कर लो, तो वही यहाँ पर मैंने कहा चलो मैं अच्छे से साफ़ करती हूँ क्योंकि कई दिन हो गए हैं, और बस यहाँ पे मैं कपड़ा वगैरह चेंज करूँगी। और जो मैंने 2 कपड़े बनवाए थे ना ऊपर नीचे के लिए, ये कपड़े बिल्कुल भी अच्छे नहीं बने, जबकि मैंने नाप देकर बनवाए, पैसे देके बनवाए, फिर भी मतलब मेरे पैसे वसूल नहीं हुए, कपड़ा भी ख़राब हो गया, बहुत ज़्यादा बल है कपड़े में बीच में। इससे अच्छा वो था जो मैंने रेडीमेड वाला बिछाया हुआ था, लेकिन वो छोटा है, ये वो बड़ा नहीं है, तो देखेंगे कभी मशीन आई तो मैं करूँगी इस चीज़ को भी। फिर से आ गई हूँ किचन में, और अभी मेरे को रात के खाने का देखना है क्या बनाना है, तो वही सब कटिंग शटिंग करनी है, और दूध भी आ गया है तो मैंने कहा चलो दूध भी बॉयल होने रख देते हैं और अपने शाम के काम स्टार्ट करते हैं। तो शाम का काम अगर जैसे शाम में दूध आता है, मेरा तो काफ़ी लेट आता है, वैसे मुझे लगता है 6-6:30 तक सभी लोगों का आ जाता होगा, मेरा तो 7-7:30 तक आता है, 7:30 तक ही लगा कर चलो, कई बार होता है कि 7 आ जाए। तो बस यहाँ पे मैंने दूध भिगोने में डाल दिया है और इसको मैं चढ़ा दूँगी गैस पे और बाकी के अपने काम शुरू कर दूँगी। बर्तन साफ़ किए थे ना, तो आजकल गर्मी में बर्तन बहुत जल्दी सूखते हैं, सर्दियों में बहुत टाइम लेते हैं बर्तन सूखने में, तो बस मैंने कहा चलो थोड़ा सा हम टोकरा भी खाली कर देते हैं, क्योंकि अभी जैसे जैसे रात के खाने की बनने की तैयारी होगी बर्तन होते रहेंगे और फिर वो मंचते रहेंगे, फिर वो टोकरे में और जमावाड़ा होता रहेगा। फिर मैंने सोचा कि सबसे पहले हम आटा लगा लेते हैं, तो मैं यहाँ पे आटा लगा रही हूँ, क्योंकि आटे को ना थोड़ी सा छोड़ दो, फिर मैं सब्जी की तैयारी करूँगी, और फिर जैसे ही सब्जी रखूँगी ना गैस पे बनने के लिए, तुरंत मैं रोटियाँ पोनी शुरू कर दूँगी और फिर सब साथ में बैठ के खा लेंगे। तो यहाँ पर बस मेरा आटा लग चुका है, मैंने इसको डब्बे में डाल दिया है, और जो भी 2-4 बर्तन हुए थे अभी अभी के, परात हो गई, डोलची हो गई, या 1-1/2 गिलास हो गया, कटोरी वगैरह, वो भी मैं कर दूंगी हाथ के हाथ, वरना फिर वही भीड़ सी लगनी शुरू हो जाएगी बर्तनों की। मम्मी की तबीयत ख़राब है और मैं इनको बोल रही हूँ बस मुझे अभी घर ले चलो, मतलब इतनी भी ख़राब नहीं है लेकिन कई दिन हो गए उनकी तबीयत ख़राब चल रही है। मम्मी को दिल की भी प्रॉब्लम है और क्या नाम है वैसी भी प्रॉब्लम से, देखना मम्मी का ही फ़ोन होगा, मेरे भाई का भी बार बार फ़ोन आ रहा है, वो दवाई लेने भी नहीं जा रही, मेरा भाई बोल रहा है तो उन्हें हॉस्पिटल से डर लगता है, तो मम्मी को ना, मम्मी का ही है ना, हाँ मम्मी का ही फ़ोन है, मैं इनको बोल रही हूँ चलो इमरजेंसी में बस कुछ भी करके ले चलो मुझे। अब ये बोल रहे हैं कि उसमें भी थोड़ी सी बातचीत करनी पड़ेगी है, टेस्ट वेस्ट होंगे कि बस यार, इस समय ना इतनी बुरी हालत है, किसी को देखने भी नहीं जा सकते, मम्मी को यार उनकी इस बीच कई बार तबीयत खराब हो ली है, उनकी ना पैर में भी प्रॉब्लम हो गई है, नस पे नस चढ़ गई है, तो ऐसा भी हो सकता है कि नेक्स्ट व्लॉग में मैं आपको सीधा हापुड़े मिलूँ, अगर कुछ बात बन गई तो, इस तरीके का कुछ कर करा के होना हो गया तो, कर करा के से मतलब है टेस्ट वगैरह ये वो, या इंजेक्शन इनको तो लग गया, वैसे ये तो चले जाएंगे है ना, टेस्ट मांग रहे हैं यार ये लॉकडाउन भी ना, मुझे तो इंजेक्शन भी नहीं लगा। मैं मम्मी को कॉल करती हूँ और इस वीडियो को यहीं पर एंड करती हूँ, मेरा बड़ा मन कर रहा है, वो वैसे वो बोल रही है मैं ठीक हूँ, लेकिन इस बीच कई बार हो गया, इनकी भी बीच में बात हुई थी तो क्या नाम है मम्मी की तबीयत ख़राब का, ऊपर से मम्मी ना खाना पीना छोड़ देती हैं, मतलब बहुत ही कम, बहुत ही कम, या फिर अगर खाएंगी भी तो या तो उनको मन ना करता हो, दुख दर्द में मन नहीं करता है, उनको चेस्ट पेन भी हो रहा है, जो उनको ऑपरेशन हुआ है ना, उनको उस जगह ऑपरेशन उनका काफ़ी टाइम पहले हुआ था,
20-25 साल भी ना हो गए हूँ, दिल का ऑपरेशन हुआ था, बाईपास सर्जरी, उसमें भी उनको प्रॉब्लम आ रही है। फिलहाल मैं इस वीडियो को यहीं पर एंड करती हूँ, कल फिर मिलूँगी आप सबसे एक और नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट।